किसान भाइयों को सबको नमस्कार। कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा तकनीकी धान जो एक चमत्कार के स्वरूप है और जिनको हमारे कुछ किसान भाइयों ने लगाया और निश्चित ही उत्पादन के क्षेत्र में कहे तो बहुत ही बेहतर उत्पादन लिया है, जिसका नाम है फुलपेज, जिनको लॉन्च किया है सवाना कंपनी ने। ऐसे ही एक किसान जी के पास हम आज आए हुए हैं, जिनको आप देखेंगे, आप सुनेंगे और जिनका बेहतर उत्पादन आप सबको सुनने को मिलेगा। उनकी क्या रही है किसान का जो फीडबैक है धान को लेकर के, उन्हीं के मुंह जुबानी हम जानना चाहेंगे। आदरणीय बड़े भैया नमस्कार, नमस्कार। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर तारम है, मैं ग्राम तिलगरा का रहने वाला हूँ, जिला मेरा कांकेर है। तो इस साल मैं सवाना कंपनी का फुल पेज धान लगाया था, तो हाँ, अच्छा खासा उत्पादन आया है। अच्छा। जैसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आप कौन सा धान वहाँ पे लगाते थे उस खेत में? उससे पहले मैं 64 और क्या बोलने से कम अवधि का धान लगाता था, जो भी मिल जाता था। हाँ, तो वो जो खेत है वो कितना है, मतलब जिसमें आप फुल पेज धान लगाए हैं? फूल पे जो तो 80 डिसमिल है, लेकिन 1 एकड़ का बीज लाया था, 80 डिसमिल लगाया, केवल कितना मतलब बीज वहाँ पे डाले हैं? 7 किलो ही लगा, अच्छा, 7 किलो बीज आप मतलब ऐसी खुर्रा बोनी किए हैं? खुर्रा बोनी छिड़काव किया था। अच्छा, उसके बाद मतलब क्या किए हैं? उसके बाद वजीर करके बीज के साथ आता है, अच्छा, और ये ये वाला हाँ, ईंधन आता है, अच्छा, इसको डाला। हाँ, उसके बाद जो है घास है, करगा है और अन्य घास है, घास है, वो हाँ, पूरा मर गया। मर गया। मतलब कितने दिन में आप डाले इसको? अच्छा, इसको 15 दिन में डाला, यानी 15 दिन में आपने इसके स्प्रे किया एक स्प्रे बार, किया एक ही बार, उसके बाद और किए नहीं उसके किए? नहीं, उसके बाद 15 दिन में फिर किया, 30 दिन में अच्छा, मतलब दो बार जो आपने बचा स्प्रे, था, बचा था उसके लिए फिर किया। उसके बाद एक भी नहीं बचा वहाँ, मतलब कोई घास कोई करगा नहीं? नहीं और उसके बाद हो सकता है आपने उसका निंदाई वगैरह नहीं करवाया हो? निंदाई तो कराए च नहीं ना, अच्छा, निंदाई वगैरह कुछ नहीं हुआ, निंदाई करने लायक उसमें घास ही नहीं था, पूरा साफ एकदम साफ हो था। गया। हाँ, केवल था तो वही धान था, दूसरा हाँ, धान भी नहीं। वैसे भैया जी का एक वीडियो और डाला है, अपन वजीर जैसे स्प्रे हुआ था उसके बाद इनका एक वीडियो बना था, जो रिजल्ट आया था कि वाकई उस पे कोई करगा नहीं था, कोई घास फूस नहीं था, तो बहुत अच्छा बेहतरीन था। और बगल में दूसरे किसान का और धान था जिसको आपने इंगित किया है वीडियो में, है हाँ, ना, कि बगल में और खेत था, तो उनका क्या उत्पादन रहा है अभी? उसका उत्पादन अभी काटा भी नहीं है, वो लगभग काटेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन काटने योग्य नहीं है। ऐसा? हाँ, तो यदि मान लो जाए, अगर काटते हैं, आपका खेत और उनका खेत लगभग समान समान सामान्य है। है, समान लेवल में हाँ, है ना, एक ही है, तो वो अगर अगर मान लो जाए अगर काटते हैं तो कितना उत्पादन होगा लगभग? वो काटने वाला के ही लायक होगा, वो यानी अच्छा, कि 2-3 कट्टा ही होगा, उससे ज्यादा नहीं और कितना होगा, होगा वो जमीन उनका जो वो लगा भी है? लगभग 70 डिसमिल के आसपास होगा। 70 डिसमिल में दो दो तीन कट्टा आएगा, ऐसा हाँ अनुमान हाँ आप हाँ हाँ बता रहे हाँ हैं। आपका जो है ये फूल पेज को लेकर के जो उत्पादन है ना, जैसे चर्चा वीडियो बनाने के पहले हमने चर्चा कर रहे थे, तो आपका जो कहना था कि हमारे मतलब कहना चाहिए कि बाप दादाओं ने भी इतना उत्पादन नहीं लिया वहाँ पे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए उत्पादन को लेकर के। उत्पादन है पहली बार आया है 48 से 50 कट्टा इस साल, क्योंकि उसमें सिंचाई वगैरह का साधन नहीं है जिस खेत में लगाया था उसमें, और पानी तो लास्ट तक था इसमें जो अन्य साल की अपेक्षा, जबकि वहाँ कोई कोई साल मर भी जाता था धान, तो इस साल तो वैसे तो मरने के लिए नहीं मरा, फिर भी पानी लास्ट तक था उसमें, यानी आपका कहना है कि जल संरक्षण भी वहां बहुत अच्छा से हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, इसमें बीमारी वगैरह कुछ है? बीमारी तो मेरे में लगा नहीं, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं था उसमें, हाँ, और दवाई भी डाला ही नहीं, क्योंकि बीमारी नहीं था तो क्यों डालता दवाई। अच्छा, हाँ,
तो और जैसे हवा तूफान में कई धान ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं, तो आपका क्या था उसमें? पकने के बाद हाँ। जो गाड़ी घुसने लायक जगह नहीं बना तो क्या है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अच्छा, तो फिर भी नहीं गिरा वो धान, दूसरे धान होता तो गिर जाता है। अच्छा अच्छा, यानी कि देरी से कटाई हुआ। हाँ हाँ, फिर भी खड़ा था धान, यानी गिरने के प्रति भी धान जबरदस्त है। जबरदस्त है ना, तो कहना चाहिए कि हर एंगल से देखा जाए। आपने उसमें कोई निंदाई नहीं करवाया? नहीं, नहीं। ना उसमें किसी प्रकार का आपने ज्यादा दवाई का उपयोग किया नहीं डाला, है ना? यानी बीमारियों के प्रति भी धान सहनशील है, और लेबर का खास करके जिसमें लेबर का तो खर्च ही नहीं है उसमें। अच्छा, लेबर लगाया कि नहीं? हाँ, तो कहना चाहिए कि बहुत बेहतर है, बेहतर है, आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है, है ना? तो सवाना कंपनी का, आप सुन रहे थे भैया से, जो फुल फेस धान है जिसपे वजीर का स्प्रे हुआ, उसके बाद इन्होंने ना कोई लेबर किया, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया। यानी कहना चाहिए कि अगर भैया, अगर आपसे पूछें कि शुरुआत से लेकर के अब तक के, है ना, जैसे आप बीज खरीदा और बीज खरीदने के बाद जो आपने उसको खुर्रा बोनी के माध्यम से उनको बोया है, तो शुरू से लेकर के कटिंग होते तक के कितना खर्चा आया होगा? लगभग 12 से 13 हजार खर्चा आया होगा। अच्छा, कुल मिला करके? कुल मिला, यानी मान के चलो कि वो कितना डिसमिल है, 80 डिसमिल, मोटा मोटी अगर देखे तो लगभग 1 एकड़ के आसपास का अगर अनुमान अगर लगाते हैं तो मात्र 12 से 13 हजार रुपए खर्च। और 12 से 13 हजार में खर्च में आपने 48 से 50 कट्टा धान लिया है, है ना? यदि आप उसको अगर बेचते हैं तो कितना क्विंटल में होगा, क्या फायदा हुआ, ये थोड़ा सा बताइए आपका अनुमान। तो उसको तो कितना हाँ। होगा अनुमान नहीं लगाया हूँ, हाँ हाँ। लेकिन 48 से 50 कट्टा होगा उसके हिसाब से, अब हाँ हाँ। पता नहीं कितना होगा, तो 19 से 20 क्विंटल होगा मेरे हिसाब से। और अगर उसको अगर मान लो जाए 2000 रुपया में भी अगर आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मान के चलो, है ना, दो लगभग लगभग आपका 40 हजार का धान होता है, हाँ। खर्च उसमें मात्र आपका 12-13 हजार हुआ। तो आप इस साल बहुत ही बेहतर समझ लो कि फायदे में है, तो आपका अच्छा अनुभव रहा है इसमें। तो बाकी किसानों को जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा सभी किसानों को कि एक बार सवाना कंपनी का फुल पेज 134 लगा कर देखें, जरूर ही अच्छा रिजल्ट देगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास अच्छा रिजल्ट दिया है। अच्छा, वैसे आप बता रहे थे आपके पास फोन भी आते हैं किसानों के, आपके YouTube में जो डला है वीडियो? नहीं, फोन तो रोज कहीं कहीं से एक या दो फोन आ ही जाता है, रोज करो रोज करो रोज। वैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब? छत्तीसगढ़ के सभी डिस्ट्रिक्ट से आता है फोन मेरे पास, महाराष्ट्र से भी आता है कभी कभी फोन। अच्छा, तो ठीक है, ये देख रहे थे आप, भैया जी को सुन रहे थे। तो जो भी किसान, अगर लगता है उनको कि कर्जा से वाकई परेशान है, है ना, तो वो एक बार ये धान, सवाना कंपनी का धान है, बहुत बेहतर तकनीक धान है ये, और इसको आप एक बार ज़रूर लगाइए। किसान भाई जो भी परेशान है वो अच्छा उपज लीजिए, और क्योंकि कंपनी ने इतना अच्छा प्रयास किया है ताकि इससे आपका खर्च बचेगा, समय बचेगा। जैसे भैया जी ने उपज लिया, भैया जी का समय बचा, वैसे आप लोग भी लगाइए और एक अच्छा उपज पाइए। नमस्कार।